चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। आज हम बात करने आए हैं जैन संस्कृति, जैन इतिहास के जैन साहित्य को किस तरीके से नष्ट किया जाए, बदला जाए, खराब किया जाए। कहते हैं कि एक बार मुगलों ने हमारी होली जलाई थी 6-6 महीने, अब हम देख रहे हैं कि साहित्य में जगह जगह जैनों के बारे में बुरा लिखा जा रहा है। आज 3 किताबें आपको दिखाएंगे हम, 1, 2, 3। बीएड के अंदर पढ़ाया जा रहा है जैन दिगंबरों को अपमानजनक टिप्पणी, और फिर पंचतंत्र की 2 कहानियों का खुलासा करेंगे किताबों का। एक के बारे में आपने कुछ सुना भी होगा, और तीसरी के बारे में एक्सक्लूसिव खुलासा करेंगे संध्या महालक्ष्मी, इस बार चैनल महालक्ष्मी मिलकर, कि आपके अंदर क्या हमारे यानी जानबूझकर उन शब्दों को उछला जाता है हमारे साहित्य में जिसे जैनों के अपमान किया जाए। यह क्यों हो रहा है, जानबूझ के हो रहा है, अज्ञानता में हो रहा है, या मूर्खों द्वारा साहित्य को रचा जा रहा है, आज यह खुलासा करेंगे आपके साथ। चिंतन कीजिए, आवाज उठाइए, जैनों का अपमान, अपने संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके विरोध में आवाज उठानी होगी। आज के एपिसोड इसी पर समाप्त। देश में 6ठा सबसे बड़ा धर्म है जैन, और जैन देशों में सबसे ज्यादा साक्षर हैं, यह भी कहना होगा। देश में औसतन 100 में से 65 या 66 पढ़े लिखे लोग हैं, जिसके मुकाबले जैनों में 94 पढ़े लिखे लोग हैं, 94% इज अ लिटरेरी रेट। कहें तो 44,51,753 जैनों में से चाहे 1,500 दिगंबर संत हो या 2,500 श्वेतांबर संत, पर इन 4,000 साधुओं को सभी धर्मों में महान तपस्वी, त्यागी या यूं कहें साधुओं के भी साधु कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पर जब इन्हीं पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय संतों के बारे में झूठा, मनगढ़ंत, उल जलूल, अपमानित बात कही जाए तो क्या जैन समाज चुप बैठा रहेगा? हाँ, गिनती में कम जरूर हैं, पर इसका मतलब यह नहीं जो कुछ मर्जी से इनके बारे में बोल दिया जाए, लिख दिया जाए। जो एक एक आगे अपने जीवन में हजारों को पढ़ाएगा, उनकी जमी सतह पर ही यह पढ़ाया जाए कि जैन धर्म में अश्लीलता का प्रदर्शन होता है, दिगंबर मुनियों का नग्न रहना सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं, यह कहां तक सही है, यह पढ़ाया जा रहा है बीएड की 4th सेमेस्टर की इस किताब में स्वयं को समझना, जो यूजीसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक प्रश्नोत्तरी गाइड बुक है, मध्य प्रदेश से राजस्थान तक पढ़ी जाती है। और कमाल की बात यह है, इसमें राइटर का नाम लिखा है एमपी कोठारी, जो एक जैन है। अफसोस तो इस बात का है, जब उनसे बात की तो मालूम चला कि उनके नाम का इस काम के अंदर केवल इस्तेमाल किया गया है, उनको इस किताब से मतलब ही नहीं है, वे कॉमर्स के आदमी हैं और यह किताब लिखी गई है, क्या अजीब के प्रकाशक है ये। अब समाज और जब उनके पास पहुंचा तो अलंकार प्रकाशन को तुरंत अगुवाई करते हुए यानी प्रकाशक को केवल एक नोटिस थमा दिया हमारे समाज ने, जो आप देख रहे हैं। इस नोटिस के बाद तुरंत अफरा तफरी में महासभा की इंदौर समाज शाखा ने अलंकार प्रकाशन को तुरंत लिखित क्षमा मांगने के लिए कहा भी, बाध्य भी कर दिया, उसने तुरंत चिट्ठी लिखा के निकाल दी, पर सभी प्रकाशित पुस्तकों को बाजार से वापस लेने का दम तो भर लिया। इंदौर में महासभा व समाज ने इन गलत किताबों की होली भी जलाई, किताबों को फाड़ा भी गया, पर हकीकत में देखना होगा मूल में गलती कहां से हो रही है, यूजीसी के पाठ्यक्रम में कहां लिखा गया ये, तो जहां से ये गाइड और हेल्प बुक बन रही है, जो वहां से उतार कर इस तरह की गलत बातें प्रचार कर रही है। अभी दिगंबर संतों पर यह असहनीय झूठी टिप्पणी पर पटाक्षेप भी नहीं हुआ था कि किताब घर से प्रकाशित यह पंचतंत्र कहानियां पुस्तक सामने आ गई। भगवान सिंह द्वारा इसमें लिखा गया, तपस्वियों में श्वेतांबर जैन सबसे धूर्त होते हैं, यानी पहले दिगंबरों पर उंगली कर दी गई और अब श्वेतांबरों को नहीं छोड़ा, पहले दिगंबर और अब श्वेतांबर, यानी ऐसी शर्मनाक टिप्पणियां, यह दोनों तो आपके सोशल मीडिया से आपको पहले मालूम चल गया होगा, पर यहां आपको दिखाते हैं पंचतंत्र की कहानियां देश के एक बहुत बड़े पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित, जो 2005 से इस समय पूरे बाजारों में यानी पिछले 15 सालों से बाजार के अंदर है, डायमंड बुक्स। जी हाँ, डायमंड बुक्स के नाम से जारी है, डायमंड पॉकेट बुक्स के द्वारा अशोक कौशिक ने अनुवादित कहानियों में लिखा है कि साधुओं में जैन भिक्षु अधिक चतुर और धूर्त होते हैं। क्या हमारे संतों के बारे में ऐसी गलत बातें लिख दी जाएं और हम चुप रहें? पंचतंत्र कहानियां वैसे डॉक्टर विष्णु कुमार जी द्वारा काफी प्राचीन समय में संस्कृत में लिखी गई थी, कहानियों में ऐसा ही लिखा गया है क्या, बात इसकी तह पर जाना जरूरी है, और चैनल महालक्ष्मी इसके लिए गया भी, उन्होंने हमें जाने के लिए, इसमें पहुंचने के लिए सहयोग दिया, संजय जैन विश्व जैन संगठन ने। उन्होंने हमें 1910 में प्रकाशित प्रख्यात विद्वान मुरादाबाद के पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र की यह पंचतंत्र टीका किताब दी, जिसे खेमराज शिक्षण दस द्वारा बॉम्बे ने प्रकाशित किया था। कौए और उल्लू की कहानी में यह 74वीं गाथा है, जिसको तोड़ मरोड़ कर या एक अनपढ़ की भांति
बिगड़ैल अनुवाद कर जैन संतों का घोर अपमान किया गया है। गाता है, नारायणाम नापियो तो धूर्ता, पश्चिणाम चेव वायसा, दृष्टि का चम शलगस्तु, और इसके बाद श्वेत भिक्षुस तपस्वी नाम। यह 308 पेज पर लिखी गाथा का चौथे खंड को देखें, जिसका अर्थ को अनर्थ कर दिया गया। ज्वाला प्रसाद जी ने इसमें स्पष्ट लिखा है हिंदू अनुवाद करते हुए, तपस्वियों में श्वेत भिक्षु यानी श्वेता भिक्षु को वही बात है सफेद भिक्षु। ये जैन कहाँ से, श्वेतांबर कहाँ से जोड़ा गया, यह मनगणन शब्दों के बारे में विचारणीय प्रश्न है। इस तरह एक तो और किताब देखी, राजकमल पब्लिकेशंस मुंबई द्वारा प्रकाशित, मूल्य था इसका 4.5 रुपये, 4 रुपये 8 आने, और 308 प्रश्न की यह प्राचीन प्रजातंत्र कहानियों पर 183वें प्रश्न पर लेखक वासुदेव शरण ने स्पष्ट रूप से लिखा है श्वेत भिक्षु तपस्वी नाम का मतलब और ज्यादा खोल दिया उन्होंने। उन्होंने लिखा श्वेत भिक्षु यानी गोरस त्यागने वाला पांडुर भिक्षु, यानी स्पष्ट है कि जैन श्वेतांबर कहां से और क्यों जोड़े गए बाद में। क्या यह जैन समाज के प्रति कोई साजिश चल रही है, या आने वाले बच्चों से बड़ों की पीढ़ी को यह जहर खोलकर पढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद 15-15 वर्षों से ऐसी अपमानित लिखी बातों पर हमारी नज़र क्यों नहीं पहुंचती। देश में साहित्य संस्कृति के अंदर क्यों जैनों के प्रति ऐसी घृणा भरी जा रही है, यह जानबूझकर है या अज्ञानियों द्वारा नए सृजन का कारण। 3 किताबें दिखाई आपको, यानी पंचतंत्र की कथा को मूल रूप से संस्कृत से अनुवाद करते करते अब किस तरीके से भ्रामक रूप से गलत शब्दों को जैनों को जोड़कर जान के मिथ्या प्रचार किया जा रहा है, जिसको पढ़ते हैं 6 साल का बच्चे से लेकर 100 साल के राजनीति शास्त्र में इसको पढ़ा जाता है, माना जाता है इन पंचतंत्र की कहानियों को जो विष्णु शर्मा जो लिखाई गई। क्यों जानबूझकर इसे शब्दों को घुसड़ा गया है, श्वेतांबरों को दिगंबरों को थूर्थ रूप में कहा गया, संतों को कहा गया जैनों को, ये शब्द कहां से लाए, जानबूझकर लाए जा रहे हैं क्या, विरोध में आ रही है, क्योंकि इसके लगता नहीं कि केवल यही सीमित होगा और साहित्य को कुरेदना हुआ, जो हमारे ज्ञानी नजरें साहित्य कुरेद और हमारी बातों को भ्रामक है, तो जगह जगह इसको निकालिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में, सादर जय जिनेंद्र।